एमआई का एलईडी है और प्रॉब्लम आ रही है ये एलवीडीएस मैपिंग की। वीडियो में ये जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ, कैसे ठीक करेंगे चलो देखते हैं। अगर एलवीडीएस मैपिंग का इसमें फॉल्ट आए कार्ड में तो करना क्या है, अगर आप इसमें पैनल चेंज किया है आपने और तो आपका एलवीडीएस मैपिंग आए या कई बार बाय डिफ़ॉल्ट भी आ जाता है। तो देखो ये जो दो कनेक्टर लगे हुए हैं यहाँ पे, इस जो इसके ठीक पीछे यहाँ पे ये जो दो कनेक्टर लगे हुए हैं, यहाँ पे 3.3 वोल्ट है और एक साइड है अर्थ। आप इसको यहाँ पे जम्पर कर देंगे, इसको कर देंगे या इसको कर देंगे, तो दोनों करने के बाद एमआई टीवी में से एलवीडीएस मैपिंग का सिस्टम हट जाएगा और आपकी स्क्रीन एकदम ओके हो जाएगी। जम्पर सिर्फ ये जो जम्पर है ये शॉर्ट करना है आपको, ये देख लो, ये पहले ये करके देख लो और उसके बाद फिर दूसरा वाला करके देख लो। इतना सा करने के बाद ही आपकी स्क्रीन ठीक हो जाएगी। पैनल चेंज करते अगर यहाँ से भी ना होए, कई बार ऐसा होता है यहाँ से भी ना होए, तो यहाँ से चार और चार आठ पिन छोड़ के सप्लाई की और अर्थ की नौवीं पिन को 3.3 वोल्ट दे दो तो भी आपकी मैपिंग हो जाएगी पैनल की। एलवीडीएस मैपिंग करने के लिए अगर भूत जैसी पिक्चर आती है आपके टीवी में, एमआई टीवी का ये 32 का टीवी, अगर भूत जैसी पिक्चर आती है और आपने पैनल नया चेंज किया है या पैनल की सेटिंग ख़राब हो गई है, तो ये जो दो आप यहाँ पे ये पिन देख रहे हो इनको शॉर्ट करने से ही यहाँ पे जम्पर कर दो तो भी आपकी जो पैनल है वो मैच हो जाएगा, और सेकंड में कर दोगे तब भी मैच हो जाएगा। अब मैं स्क्रीन पे बता देता हूँ आपको, देखो जो मेरी पिक्चर पहले अच्छी नहीं आ रही थी अब कैसी आ रही है, तो देख पा रहे होंगे हो गया है टीवी ठीक और मैपिंग हो गया है, अच्छे से चल रहा है। तो आपके टीवी में भी फ्रेंड्स ऐसी प्रॉब्लम आए तो आप सिर्फ दो पिनों को शॉर्ट करके या पैनल की नौवीं पिन पे 3.3 वोल्ट देके अपनी मैपिंग एलवीडीएस मैपिंग को ओके कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कर देना, लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।